दोस्तों, अगर आपके पास भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन की होल्डिंग है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो 50% तक डाउन हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे मैं ऑल्ट कॉइन आपको बताने वाला हूं जिसके अंदर बड़ा डंप देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मंथ में। जी हाँ दोस्तों, और ये डंप जो है 20-50% तक हो सकता है। अब देखो, ऐसा है कि बहुत बड़ी कंपनी सेल्सियस कंपनी, हालांकि ये अभी बैंकक्रप्ट हो चुकी है, पिछले साल ही बैंकक्रप्ट हो चुकी है, लेकिन इसके पास बहुत सारे ऑल्ट कॉइन है जिसको ये सेल करने वाले हैं और सेल करके उन सभी ऑल्ट कॉइन को बिटकॉइन और इथेरियम में कन्वर्ट करेंगे। तो बिटकॉइन इथेरियम के लिए तो बल्ले बल्ले जो होल्डिंग कर रखे हैं, क्योंकि उसकी प्राइस में पंप आ सकता है, लेकिन यहां पर जो ऑल्ट कॉइन की सेलिंग होगा ना नेक्स्ट मंथ में, वो भी 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके सारे ऑल्ट कॉइन को सेल करके बिटकॉइन इथेरियम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारे ऑल्ट कॉइन है, जब इतनी बड़ी कंपनी का न्यूज आता है कि ये सेल करने वाले हैं, देन होता क्या है कि उसके सेलिंग से तो बहुत ज्यादा प्राइस इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन अदर जो क्रिप्टो यूजर्स है, जो छोटे यूजर्स है, वो पैनिक में आकर सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसके वजह से प्राइस में मूवमेंट जो है, यानी डाउन 5% होना चाहिए, वहां गिर के वो 50% तक हो सकता है, क्योंकि पैनिक सेलिंग इसको कहते हैं। जब ऐसे न्यूज मार्केट में निकलता है तो उसके सेल करने से बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन अदर जो यूजर्स है उसके पैनिक सेल से सच में इंपैक्ट पड़ जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है कुछ ऑल्टकॉइन में, उसका नाम मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके साथ साथ में दोस्तों, 3 मैं ऐसे आपको ट्रेड देने वाला हूँ, स्पॉट में भी एंड फ्यूचर में भी आप ले सकते हो ये दोनों तीनों क्रिप्टो को। तो ये 3 ऐसे मैं ट्रेड, ऐसे क्वाइन आपको बताने वाला हूँ जहां पर अगर आप खरीदोगे, एंट्री बनाओगे, तो प्रॉफिट आपको बन जाएगा, अच्छा खासा बन जाएगा। दोस्तों, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव है एंड इसके साथ साथ में प्रॉफिटेबल भी रहने वाला है, तो वीडियो को जरा सा भी मिस ना करेंगे। और रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी के अभी कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बढ़ते हैं न्यूज की ओर। जो न्यूज निकल के आ रहा है कि सेल्सियस जो है अपने कस्टमर के ऑल्ट कॉइन को कन्वर्ट करने वाला है बिटकॉइन इथेरियम में, यानी जो ऑल्ट कॉइन है जिसकी होल्डिंग अभी सेल्सियस के पास है, उन सभी ऑल्ट कॉइन को क्या करेगा, सेल करके उसको बीटीसी इथेरियम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और सेलिंग जो है 1 जुलाई से आपको देखने को मिल सकता है, यानी नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग से ही देखने को मिलेगा। और जो सेलिंग होगी, सबसे टोटल वैल्यू सभी टोकन का, सभी ऑल्ट कॉइन का $250 मिलियन के बराबर का है जिसके अंदर सेलिंग आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि जो सेल होने वाला है, टोटल 15 ऑल्ट कॉइन है, और इसका नाम नोट कर लो, अगर इसकी होल्डिंग आपके पास भी है तो अभी के अभी आप एक्शन ले सकते हो, स्टेप उठा सकते हो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग। सबसे पहले SEL, यानी सेल, जो सेल्सियस का ही नेटिव टोकन है। सेकेंड वन इज मैटिक, आडा, लिंक, LTC.BCH, आवे, यूनि, एक्सेलम, सोल, यूएस, फिट, SRM एंड BNB, ये ऐसे ऑल्ट कॉइन है जिसको सेल किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सारे जड़ का जो फसाद है वो है SEC, क्योंकि इसके थ्रू इन सभी क्रिप्टो को सिक्योरिटीज बता दिया गया, और इसी वजह से कई सारे क्रिप्टो फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो इन सभी क्रिप्टो की होल्डिंग कर रखे, जिसको सिक्योरिटीज बताया जा रहा है, उसको अब वो सेल कर रहे हैं। रॉबिनहुड का भी नाम आपने सुना कि अपने प्लेटफॉर्म से कुछ 3 अभी क्रिप्टो का नाम आया कि 3 ऐसे क्रिप्टो जिसको वो डीलिस्ट करने वाला है, और इसके अलावा और भी ऑल्ट कॉइन का लिस्ट लेके आएंगे रॉबिनहुड, जिसमें बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि रॉबिनहुड और भी ऑल्ट कॉइन को अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट करने वाले हैं। तो जैसे जैसे बड़े बड़े फॉर्म्स अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट करेगा या सेलिंग ऑल्ट कॉइन के देखने को मिलेगा, तो ऑल्ट कॉइन में अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है ऑल्ट कॉइन में। बिटकॉइन इथेरियम के लिए तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ऑल्ट कॉइन के लिए थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिलेगा। अब यहां पर मान लो दोस्तों, अगर सेलिंग होता है, ये सभी क्रिप्टो में अगर सेलिंग होता है, तो देन कहीं ना कहीं अगर ये 20-50% तक नीचे आ जाए, 40% पे अगर आपको बाई करने का मौका मिले ना गिरने के बाद, देन वहां पर एंट्री बनाना, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। सबसे ज्यादा सेलिंग जो होगा, जो ज्यादा वैल्यू का, वो होगा सेल्सियस का नेटिव टोकन सेल के अंदर, करीब $70 मिलियन के वैल्यू का सेल टोकन है इसके पास, जिसकी सेलिंग करेगा। उसके बाद $52 मिलियन के वैल्यू का जो है मैटिक की सेलिंग होगा। तो ये दो क्रिप्टो में अच्छा खासा गिरावट, अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तो अभी से आप अलर्ट रहिए, इसके लिए रेडी रहिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं 3 क्रिप्टो जिसके अंदर मुझे लग रहा है यहां पर एंट्री लेना चाहिए। तो जिसमें से सबसे पहला जो है वो है XRP। XRP देखेंगे दोस्तों, तो इधर आप देखोगे किस तरीके से ये लगातार अच्छा खासा पंप इसके अंदर, बहुत जल्द पंप देखने को मिलता है। और यहां पर देखोगे ये एक जोन है जिस जोन पे ये बार बार रिजेक्ट हो रहा है, और ये जोन एक कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से
रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहां पर देखेंगे किस तरीके से रेजिस्ट लिया, यहां पर रिजेक्शन देखने को मिला, यहां पर रिजेक्शन देखने को मिला थर्ड टाइम, और ये इसके बाद मुझे पॉसिबिलिटी है कि ये कम से कम गिर के कहां पहुंच जाएगा, इस जोन के पास आ सकता है। हो सकता है अभी कुछ आपको पंप देखकर कुछ ऐसा पंप दिखे एक्सआरपी के अंदर, 10-15% का पंप देखने को मिल सकता है, लेकिन फाइनली ये गिर कर आएगा, इस जोन के पास आएगा। यानी करीब करीब यहां से अगर देखेंगे तो आपको एक्सआरपी के अंदर 10-15% का पंप देखने को मिले, लेकिन उससे ज्यादा डंप देखने को मिलेगा। 25-30% तक एक्सआरपी का प्राइस नीचे आ सकता है, नीचे गिर सकता है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर पंप भी कर रहा है तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये बुलिश है, आपको खरीद लेना है, ठीक है। बुलिश अगर यहां से पंप भी करेगा तो फिर से फाइनली इसी जोन से रिजेक्ट हो सकता है, और रिजेक्ट होकर ये नीचे आएगा इस जोन पे। प्राइस नोट कर लो, अगर आप नहीं पता है तो प्राइस आप नोट करेंगे, करीब करीब $0.36 के सीरीज में, $0.36 के सीरीज में ये आएगा, और यहां से $0.365 से लेकर $0.361 इस बिटवीन में ये टैप कर सकता है, इस जोन को टच कर सकता है, और फिर यहां से ये पंप देगा। और यहां पर अगर आपको खरीदने का मौका मिले, देखो अगर यहां पर कुछ ऐसा हो के कुछ यहां पर खरीदने का मौका मिले तो खरीदना मत भूलना, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे जाएगा। और यहां से जब पंप करेगा तो करीब करीब अगर हम देखें तो 50% तक ये पंप कर सकता है स्पॉट में, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, स्पॉट में आप बाई करना, 50% तक प्रॉफिट एक्सआरपी आपको दिलवा सकता है। तो बेटर होगा इस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो एक्सआरपी में तो खरीद सकते हैं, ये स्पॉट के लिए एडवाइस है एक्सआरपी के अंदर। अब बात करते हैं सेकेंड क्वाइन, तो सेकेंड क्वाइन जो है दोस्तों वो है इंज। अब देखो इंज में मैंने चार्ट को काफी एनालाइज किया, इसके आधार पे जो मुझे लग रहा है, मुझे जो दिख रहा है इंज जो है कुछ गिर कर, कुछ यहां से गिर के ये वापस जो है कुछ इस जोन को टैप करेगा। प्राइस अगर और भी ऊपर चला जाए फिर भी हम वेट करेंगे, हम यहां आने का इसका इंतजार करेंगे। अगर इस प्राइस पे हमें मिलता है, खरीदने का मौका मिलता है इस जोन पे, देन हम यहां पर एंट्री बनाएंगे। ये जोन का हम एरिया आपको बता देते हैं, ये जो जोन है $5.82 से लेकर $5.72 से लेकर $5.72 इस बिटवीन में अगर टैप करे, इस बिटवीन में टैप करे, देन यहां पर हम एंट्री बनाएंगे इंज के अंदर। और यहां पर अगर आपको मौका मिल गया ना तो आप स्पॉट से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, और फ्यूचर में भी मैं यहां पर एंट्री लूंगा। और यहां पर से अगर आपको मौका मिल गया खरीदने का तो कम से कम आप देख लो 11-12% तो इजी तरीके से जाएगा, और 20% तक भी जा सकता है स्पॉट में, और फ्यूचर वाले भी यहां से रिस्क ले सकते हो विथ लो लेवरेज। मैं कहूंगा कि वोलेटाइल ऐसे क्रिप्टो है, लेकिन यहां पर अगर आप 3-5x से ज्यादा लेवरेज का यूज मत करना इंच के अंदर, अगर यहां पर मौका मिले तो। प्राइस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब चलिए नेक्स्ट क्वाइन रेंडर। देखो इंज एंड रेंडर ऐसे टोकन है ना, जितना ये फॉल करता है उतना ही तेजी से ये रिकवरी भी करता है। आप देखो कितना तेजी से इंज के अंदर रिकवरी आया, रेंडर के अंदर भी देखो बहुत ही अच्छा रिकवरी आया, ठीक उसी तरीके से इंज में भी देखो कितना बेहतरीन रिकवरी किया है, इंज बहुत ही बेहतरीन शानदार रिकवरी किया है। तो ये सब आप देखोगे तो यहां से ये फॉल करके नीचे आया है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ इस जोन को टच कर सकता है, यहां टच करेगा देन यहां पर स्पॉट और फ्यूचर दोनों का हम रिस्क लेंगे यहां पर। अब चलो नेक्स्ट क्वाइन है रेंडर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है नेक्स्ट क्वाइन है जो रेंडर में हम एंट्री के लिए सोच रहे हैं। देखो वैसे तो मेरा हमेशा एक आप लोगों के लिए एडवाइस होता है कि जब तक कि प्रीवियस पुलबैक को वो स्वीप नहीं करे तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये पुलबैक है, प्रीवियस पुलबैक है, इसको कहीं ना कहीं ये स्वीप किया है, यहां से देखोगे तो ये नीचे आ गया है, ये प्रीवियस पुलबैक को स्वीप कर चुका है। तो एक एंट्री यहां पर बना सकते हैं स्पॉट वाले यहां पर जो इस प्राइस पे मिल रहा है आप खरीद सकते हो, रेंडर में अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा, ठीक है। अगर हम कहें कितना प्रॉफिट निकलेगा, अगर थोड़ा कुछ लंबे टाइम तक अगर होल्ड रखते हो, कुछ महीनों तक अगर होल्ड रखते हो, तो मिनिमम जो है इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कितना परसेंट का, मैं अभी आपको बता देता हूं। इसको थोड़ा सा हम लंबे टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। देखो अब यहां पर क्या होगा कि कुछ अगर यहां से स्पॉट में बाई करते हैं तो करीब करीब 40-50% तक प्रॉफिट आपको दे सकता है रेंडर स्पॉट में, ठीक है स्पॉट में। और जो फ्यूचर करना चाहते हैं इसके अंदर, तो फ्यूचर का आप जोन मेरे अनुसार अभी जो है इसके अंदर जो जोन है, हमें ये जोन दिखाई दे रहा है, ये परफेक्ट जोन है जहां पर मैं वेट कर रहा हूं इसको टैप करने का। यहां जब टैप करेगा
देन हम लॉन्ग पोजिशन ओपन करेंगे, अभी ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर और ये जोन आप नोट कर लो, $1.85 से लेकर $1.822 इस बिटवीन में अगर हमें रेंडर देखने को मिलेगा, हम यहां पर एंट्री लॉन्ग के लेंगे, 3-5x का लेवरेज ऑनली यूज करेंगे। तो तीन ट्रेड दिया है, रेंडर, XRP एंड इंच, ये तीन क्रिप्टो में एंट्री मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।